सेशन ऑफ चैम्पियन कॉम्पिटिटर। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट्स, शेड्यूल, कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स और कुछ कंट्रीज जहाँ से कुछ पर्टिकुलर आर्टिकल्स को पिक किया गया है। ये जो चार टॉपिक हैं तो बहुत सिंपल, बट इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये इसका डिटेल स्टडी ना होने की वजह से बहुत सारे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस मिस कर जाते हैं। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं इस सेशन में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट्स की। टोटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 22 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो डील करता है यूनियन और उसकी टेरिटरीज के बारे में कि इंडिया की क्या टेरिटोरियल, कौन कौन सी जगह जो है वो इंडिया की टेरिटरी में आती है, वो इसे डील करता है। सेकंड पार्ट डील करता है सिटीजनशिप की। आपको पता होगा इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप मिलता है। ये पार्ट और एक्सप्लेन करता है कि व्हाट आर द प्रोसीजर फॉर हैविंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, और या फिर क्या प्रोसीजर है अगर किसी से सिटीजनशिप वापस लेना है। द पार्ट थ्री डील्स विद फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जो है हमने US कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। इन द एंड ऑफ दिस स्लाइड आई एम गोइंग टू टेल यू कि कहाँ से क्या क्या इंस्पिरेशन से हमने कौन कौन सी चीज़ें पिक की हैं, बट अभी फॉर द टाइम बीइंग आई एम टेलिंग यू फंडामेंटल राइट इज़ फ्रॉम US। पार्ट फोर जो है वो डील करता है DPSP डायरेक्टिव पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको पिक किया है। देन पार्ट फोर ए फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये जो है रशियन या फिर सोवियत यूनियन जिसको बोलते हैं उसका इंस्पिरेशन, सो दिस इज़ फ्रॉम रशियन, ठीक है। देन पार्ट फाइव डील विद द यूनियन। यूनियन में क्या क्या आता है आपका? यूनियन में आता है आपका एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यूनियन जुडिशरी एंड कैग ऑफ इंडिया। ये पांच पार्ट जो है वो यूनियन के अंदर आते हैं। सिमिलरली आर्टिकल सिक्स जो है वो डील करता है स्टेट की। स्टेट के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं? स्टेट के अंदर देखो ये 6 नंबर का और 6 टॉपिक है इसके अंदर। इसके अंदर जनरल, कुछ एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर, हाई कोर्ट और उसके अंडर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स यहाँ पे, ठीक है। फिर है पार्ट सेवन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, लेकिन अंडर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1956 में इसको रिपील कर दिया गया या रिमूव कर दिया गया, इट वॉज डिलीटेड बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1956। पार्ट 7 वॉज इंट्रोड्यूस। अर्लियर इट वॉज डीलिंग विद द पार्ट बी स्टेट, डील करता था पार्ट बी स्टेट्स, क्योंकि पार्ट बी स्टेट्स ही नहीं रही है, वो जो डिवीजन था ABC का वो डिवीजन ही ख़त्म हो गया, तो पार्ट बी स्टेट का अलग से कुछ अब लेना देना है नहीं। पार्ट 8 ये डील करता है यूनियन टेरिटरी से। इम्पॉर्टेंट आता है 9A and 9B। 9 जो है पंचायत, इसमें लोकल गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी गई
थ्री टायर सिस्टम गवर्नमेंट का अडॉप्ट किया गया। पंचायती राज सिस्टम जो है थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992 इसमें ऐड किया गया, पार्ट 9। ये पार्ट भी न्यू है क्योंकि पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 नहीं था, पंचायत वॉज एडेड। ठीक है, देन 9A म्युनिसिपैलिटी was added by 74th constitutional amendment of 1992 again, and part 9B that was cooperative societies, this was added by 97th constitutional amendment में से ऐड किया गया था। तो हम थे इधर दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में मैंने बताया आपको 9B पार्ट है और 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 के अंडर इसको ऐड किया गया। पार्ट टी जो है वो है शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। देन 11th डिस्क्राइब करता है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, इसमें आता है लेजिस्लेटिव रिलेशंस और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। पार्ट 12 डील करता है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। पार्ट 13 ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पार्ट 14 डिस्क्राइब करता है सर्विसेज अंडर यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन एंड स्टेट। पार्ट 14A ये डिस्क्राइब करता है ट्रिब्यूनल्स को। फिर 15th इलेक्शन, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछ देते हैं। देन 16 स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग सर्टेन क्लासेस, ये भी इम्पोर्टेंट है। देन पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, ये भी इम्पोर्टेंट है। पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजन, जिसमें तीन इमरजेंसीज हैं। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड 365 एंड आर्टिकल 360। ये आपका नेशनल इमरजेंसी, ये डिस्क्राइब करता है आपका प्रेसिडेंट रूल, और ये फाइनेंशियल इमरजेंसी। मैंने अपनी वीडियोस में बहुत डिटेल में ये तीनों इमरजेंसीज को डिस्क्राइब किया है, आप वो वीडियोस देखिए, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। आर्टिकल 19 मिसलेनियस, सॉरी पार्ट 19 मिसलेनियस। पार्ट 20 ये भी इम्पोर्टेंट है, जो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डील करता है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरीके से अमेंडमेंट हो सकती हैं, एक होती है आर्टिकल 368 के अंडर और एक होती है ऑर्डिनरी। तो आप पढ़िए, आपको पता चलेगा 360 के अंडर कौन सी आती हैं और ऑर्डिनरी कौन सी होती हैं। देन पार्ट 21 टेम्प्रेरी ट्रांजेक्शनल एंड स्पेशल प्रोविजंस को डिटेल डील करता है। एंड आर्टिकल सॉरी पार्ट 22 लास्ट शॉर्ट टाइटल्स कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड उसके रिपील के बारे में काम करता है। सो दिस इज अबाउट, एक और इम्पॉर्टेंट जो 14A है, 14A भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में ही ऐड किया गया। तो 76 में कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स में दो पार्ट ऐड किए गए हैं, 14A एंड योर 4A। अब बताना
बताना चाहूंगी इम्पोर्टेंट, जो आपको बाय हार्ट पता ही होनी चाहिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A, ये तो बाय हार्ट होनी चाहिए। पार्ट 9, पार्ट 9A, पार्ट 9B, पार्ट 15, पार्ट 16, पार्ट 18, दैट्स इट। ये बाय हार्ट आपको पता होनी चाहिए, ये मेजर एग्जामिनेशन में ये पूछते हैं, देख लीजिए। दिस इज अबाउट दिस पार्ट, दिस इज द पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगी आपको सॉरी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में, कि कौन सा इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स बाय हार्ट हमको पता होने चाहिए, और उनके थोड़ा थोड़ा प्रोविजंस, यानी काफ़ी ब्रीफ में होगा, जस्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डिटेल नहीं होगा। वो डिटेल के लिए तो मैं एक टॉपिक अलग से लेती हूँ, ये जो पूरा सेशन है बहुत ब्रीफ है, जस्ट एमसीक्यू एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।